अल्लाह ताला से जब इंसान दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, तो इल्म तो अल्लाह दे देता है लेकिन अमल नहीं होता। तो इसलिए इल्म के साथ अमल भी मांगना चाहिए। इल्म आपको अल्लाह ने देना शुरू कर दिया, उसके साथ अब अमल होना शुरू होता है। अब शैतान क्या करता है, अब आपसे वो इखलास छीन लेता है कि इल्म भी है अमल भी है और इखलास नहीं है। और इखलास कैसे छीनता है कि नेकी का तकब्बुर, नेकी का दिखावा, शिर्क खफी के लोगों से दाद वसूल करने के लिए नेकियां करना शुरू करता है बंदा, क्योंकि उसको अपनी तारीफ अच्छी लगनी शुरू होती है। सहाबा कराम को जब कोई जो है उनकी तारीफ करता था तो उन पर ज़रा नागवार गुजरती थी, क्योंकि वो नेकी खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए किया करते थे। और जब वो उनको कोई इस्लाह के लिए कोई बात करता तो बड़ी तवज्जो से सुनते थे। मोमिन मोमिन का आईना है, अल्लाह की रहमत में दाखिल होने का एक जो सबसे बड़ी निशानी है ना, कि इंसान के ऊपर अपनी गलतियां आया होनी शुरू हो जाए, कि वो देखे कि अच्छा भाई वाकई मेरे अंदर अभी बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है। और कोई बंदा भी अगर उसकी इस्लाह के लिए उनको बात कर रहा है, नसीहत कर रहा है, ख़ास तौर पर बड़े, तो वो तवज्जो से सुनता है और उसके ऊपर अमल करता है। तो आप जब भी देखें कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता किया, उसके साथ आपका अमल भी ठीक हो गया, तो उसके साथ साथ इखलास का होना बड़ा ज़रूरी है। कि दो काम करना छोड़ दो, एक जो दिखा नहीं सकते और दूसरा जो दिखाने के लिए करते, यानी कि तन्हाई में किए हुए गलतियां, गुनाह के जिसमें आपको पता है कि जैसे इशफाक अहमद साहब की बड़ी प्यारी बात है कि गुनाह करने से पहले बंदा इधर उधर देखता है, ऊपर नहीं देखता। तो अपनी तन्हाई को कलमा पढ़ाना है, अपनी तन्हाई को मोमिन करना है, तो एक तो वो काम छोड़ दो जो दिखा नहीं सकते, ठीक है, ज़िंदगी में जो है आसानी हो जाएगी, इखलास आ जाएगा। दूसरा जो काम दिखाने के लिए करते हो वो छोड़ दो, यानी कि दिखावे के लिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। इंसान तो जब से जब उसने सांस लेना शुरू कर दिया है तो अब वो अपने आमाल का जवाब दे है। और जो सच्चे नीयत के साथ अल्लाह के लिए नेकी करता है उसमें तकब्बुर नहीं आ सकता, वो दूसरों से तारीफ नहीं वसूल करता। फतेह मक्का जब हुआ तो सहाबा कराम परेशान थे, रो पड़े, तो लोगों ने पूछा कि भाई आपको तो फतह मिल गई तो आप परेशान क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें डर है कि कहीं अल्लाह ने हमारी दुनियावी कोशिशों का जो मेहनतें हमने की उसका नतीजा दुनिया में तो नहीं दे दिया। तो ये है आपकी इस दुनिया की हकीकत कि इंसान जब इस दुनिया का रह जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उस मिलावट के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी से तमाम बरकतें छीन लेता है। क्या वजह है कि आजकल एंग्जाइटी डिप्रेशन इतनी कॉमन होती जा रही है? उसकी वजह यही है कि हम समझे नहीं है इस्लाम के फ़लसफे को। मैंने पहले भी एक वीडियो में जो है ये बात की, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी कि या अल्लाह मुझे उस दानाई से बचा जो रोना ना सिखाए, यानी कि ऐसी दानाई कि जो आपके दिल को सख्त कर दे और आपको लोगों का दर्द महसूस ना हो, ऐसी दानाई से पनाह मांगो। या अल्लाह मुझे ऐसे फ़लसफे से बचा जो खुश होना ना सिखाए। अगर आपका जो भी फ़लसफा है वो आपकी ज़िंदगी में आपको खुश नहीं कर रहा, आप अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहे, तो ऐसे फ़लसफे से भी जान छुड़ाएं, ऐसा फ़लसफा सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी है। और या अल्लाह मुझे ऐसी अज़मत से बचा जो झुकना ना सिखाए, यानी कि अगर आपके अंदर आजी नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वो जो मर्तबा है ना, वो आपको तकब्बुर की उस हद पर ले जाएगा कि जहाँ पर आप में और फिरौन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा।